मैच है ना लेबी रॉक्स टीम्स, तो कैसे हो आप सब। मुंबई सिटी एफसी वर्सेस जमशेदपुर एफसी का मैच होने वाला है 1 घंटे 53 मिनट के बाद, और इस मैच की फाइनल टीम मिलेगी लाइनअप्स के बाद मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है एबी रॉक्स ड्रीम 11 टीम्स। ये टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइज, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है, तो मैं इसी बात पर जरा बढ़ता हूँ आगे। उससे पहले बात कर लूँ कि यही मेरा टेलीग्राम, और बी अवेयर फ्रॉम एन अदर फेक चैनल्स, ओनली एंड ओनली दिस इज माई ओरिजिनल चैनल। तो चलते हैं आगे, बात करूंगा मैं इस मैच की। तो एक्चुअली ना मैं आपके रिप्लाई नहीं दे पा रहा था किसी कारण, तो क्या हो गया मींस मैं आपको बता दूं, वो एक कारण इसलिए है कि अभी ना थोड़ा सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो वो भाई एक आध घंटे में जब भी ठीक होगा तो मैं तब आपके रिप्लाई दूंगा। सो अभी आप वेट ही कीजिए, कई लोग समझ रहे हैं कि मैं ऑनलाइन होकर रिप्लाई नहीं दे रहा, सो आप समझो मेरी बात, समझने की कोशिश करो। तो सबसे पहले बात करूं इस मैच की, तो यहाँ पे मैं MCFC के फेवर में। एक्चुअली देखो, सिर्फ एक गोल कीपर के कारण आपका ऐसा लग रहा होगा कि मैं मुंबई सिटी के FC के फेवर में हूँ। एक्चुअली हाँ, मैंने यहाँ पे नवाज को चुना क्योंकि ISL में मैं हर बार सेफ जाता हूँ। पिछले मैच में कौन जानता था कि बेंगलुरु FC के बाद ये बेंगलुरु FC की पेनल्टी रोक देगा। लिटरली अगर ये पेनल्टी ना रोकता तो ये चलता, आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचो। नहीं, आपका जवाब होगा नहीं चलता। दैट्स वाई मैंने इसको अपनी टीम में आज लेना चाहे। ऑलमोस्ट मेरे साथ और भी कई पर्सन ले रहे हैं, जो लोग रिस्क लेंगे वो रहनेश को लेंगे, बट ISL रिस्क लेने वाली लीग नहीं है गाइज। अगर ये प्रीमियर लीग होती तो मैं आँख बंद करके रिस्क ले लेता, बट ISL लीग के अंदर हमें एक्स्ट्रा माइंड लगाना पड़ता है। आगे से बात करूँ एम्फॉल की, देन मैंने आपको बोला था ना पिछले सीजन इसके बहुत गोल थे, इस सीजन भी देख रहे हो कोइंसिडेंस, 2 गोल कॉन्टीन्यूसली प्लस दोनों में 100 पॉइंट्स, ये तो इतना बड़ा कोइंसिडेंस। एक में इसने गोल एंड असिस्ट किया, 80 KMA में भी इसने गोल प्लस असिस्ट किया, इतना बड़ा कोइंसिडेंस ऐसे ही नहीं होता भाई। उसके अंदर एबिलिटी है। कोई भी बंदा, अगर आप खेल रहे हो कोई भी गेम खेल रहे हो, चलो मैं मान लो आप फुटबॉल खेल रहे हो एंड अगर आप 4 बार कॉन्टीन्यूसली गोल कर रहे हो, तो ये कोई आपका कोइंसिडेंस नहीं है, फिर ये आपके अंदर एबिलिटी है। और मैं इस प्लेयर को कह सकता हूँ इसके अंदर एबिलिटी है लिटरली। और पी हार्टले की बात करूँ, हार्टले की जगह मेरे को ये प्लेयर मिल रहा था एली, बट मैं नहीं ले रहा गाइस, क्योंकि हार्टले एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, जैसे होता है ना कि एक्सपीरियंस प्लेयर को नहीं छोड़ा जाता। एंड भेके की बात करूँ, ये राहुल भेके को ले रहा हूँ। एक्चुअली ड्रीम टीम में कंटिन्यूसली नाम तो आ रहा था, लास्ट मैच में फ्लॉप ज़रूर हुआ, बट आई एग्री, कोई बात नहीं, अगर मुंबई सिटी FC जीत रही है तो डिफेंडिंग का सहारा बहुत है। एंड रानावेट की बात करूँ, रानावेट को आप ड्रॉप करके यहाँ पर ईशिविया को ले सकते हो। जो लोग डबल साइडेड जाना चाहते हैं, जिनको लगता है कि इसमें क्लीन शीट नहीं लगेगी, लगता तो मुझे भी है, बट मैं शिविया को लेना नहीं चाहता यार, इसलिए रानावेट के साथ हूँ। आगे से बात करें लीमा की, देन अलेक्जेंडर लीमा ने पिछले मैच में मोहन बगान के सामने जब गोल किया, तो उस वक्त एक सब्स्टिट्यूशन के तौर पर आया हुआ था, बट ये मतलब ऑलमोस्ट सिर्फ 5-6 मिनट खेला था ये प्लेयर, 5 to 6 मिनट्स ओनली, 5-6 मिनट में ये गोल कर गया। मतलब लास्ट के 5 मिनट में गोल करना, वो भी एक सब्स्टिट्यूशन द्वारा, क्योंकि इतना टाइम तो 5 मिनट तो बंदा सेटल भी नहीं हो पाता और ये आते ही गोल कर गया, वो चीज़ बहुत अच्छी लगी मेरे को इस प्लेयर की, बहुत अच्छी लगी। एंड आगे से बात करें नेक्स्ट प्लेयर की, अहमद जहाओ को लूँगा। देन अहमद जहाओ कंटिन्यूसली गोल का ट्राई तो कर रहा है, और इस सीजन परफॉर्म अच्छा रहा है इस प्लेयर का। एक्चुअली आप देख सकते हैं हैदराबाद FC के खिलाफ जब इसने गोल किया था, उसके बाद बंदे का माइंड भी फ्रेश हो जाता है, कि और अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ, जैसे अगर कोई क्रिकेट का प्लेयर है एंड एक बहुत बड़ी सीरीज चल रही है ना, अगर उसके अंदर फर्स्ट मैच में एक बंदा सेंचुरी या हाफ सेंचुरी लगा दे, तो पूरे सीजन में उम्मीद रहती है कि हाँ इस बार चलेगा। तो वैसा ही कुछ फुटबॉल में भी है। एंड जे सिंह की बात करें, देखो जितेंद्र सिंह को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मैंने सोचा था कि पहले आर फर्नांडिस हूँ, लेकिन प्रॉपर टैली करने के बाद मैंने सोचा कि अगर बाई चांस आर फर्नांडिस नहीं खेलता तो आप कन्फ्यूज़ होकर बॉर्जिस को ले लोगे, बट मैं नहीं चाहता कि आप बॉर्जिस को भी लो। ऊपर से सी गैब्रियल को भी मैं ट्राई करके थक चुका हूँ, दैट्स वाई मेरे पास एक ही ऑप्शन था गाइस, जितेंद्र। बाकी एक और ऑप्शन है, बट आई एम नॉट ट्राइंग दैट। आगे से बात करूँ स्ट्राइकर की, वेल्सिक्स को लूँगा। तो यहाँ पर है नीरजस वेल्सिक्स, जो कि वाइस कैप्टन बनने के बहुत बढ़िया मौके पे मतलब हमारी हेल्प कर सकता है। एंड एंगुलो की बात करूँ, एंगुलो पिछले साल तक मुंबई FC से नहीं खेलता था, ही वॉज अ प्लेयर फ्रॉम आई थिंक FC गोवा। हाँ, FC गोवा से, अगर मिस्टेक हुई तो माफ़ करना, बाकी मेरे हिसाब से गोवा से खेलता था। एंड आगे से बात करें बी सिंह की, देन बिपिन सिंह ने मोहन बगान के खिलाफ भी गोल प्लस असिस्ट किया, देन उसके अंदर एबिलिटी है। पिछले मैच में भी लोगों ने ट्राई नहीं किया, क्योंकि आज भी लोग जी स्टीवर्ट को ट्राई करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि अगर मैं स्टीवर्ट को लेता हूं, तो मेरे साथ तो बहुत गलत होगा, क्योंकि फिर तो मैं मुंबई सिटी पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहा। लेकिन ऐसा भी नहीं है, जमशेदपुर टीम भी इस बार फॉर्म में है, मुंबई सिटी फर्स्ट पे है तो जमशेदपुर सेकंड पे है। ये मैच अगर जमशेदपुर FC जीतती है तो सीधा सीधा टॉप पे चली जाएगी। तो मेरा मानना कि मैं बिपिन सिंह को लूं और देखूं कि मुंबई सिटी अगर एक आधा गोल लगा सके तो रेयर प्लेयर लगा दे। एंड कैप्टन की बात करूं, INGULO मेरा कैप्टन है, बिकॉज हर सीरीज में चलता था बंदा पिछले साल भी। एंड वाइस कैप्टन वेल्सिक्स है, बिकॉज उसकी शुरुआत अच्छी थी। मैंने आपको बोला ना, शुरुआत अच्छी मिल जाए तो प्लेयर का कॉन्फिडेंस बना रहता है, तो कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है इसके अंदर। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।